नमस्कार दर्शक बंधु, आज अध्याय को आपनको स्वागत करुच्ची। स्वाति, मनुष्य मध्यरे अनेक गुड़िए एपरी अभ्यास रही थाए जहाँ मनुष्य को सफलता पाइबारे रोकी थाए। प्रत्येक व्यक्ति एक आरामदायक जीवन अतिवाहित करने को चाहे, जहाँफल व्यक्ति दिनक दिन अलसुआ होबारे लगे। व्यक्ति कठिन परिश्रम करने को चाहे ना। महाभारत समय महान बुद्धिजीवी विदुर मनुष्यर एपरी किसी खास अभ्यास विषय कही जहाद्वारा मनुष्य असफलता आड़क गति करें। महाभारत कथार मुख्य पात्र मध्य विदुर थिले अन्यतम। कौरव वंशरे तांकर एक खास स्थान रही से कही कथा द्वापर युगर लोक मैंने जदि शुणी था तेबे बोध हुए महाभारत युद्ध हो न था। विदुरंग द्वारा लिखित विदुर नीति पुस्तक जीवन युद्ध प्रेम व्यवहार संपर्क विशेष भाव उल्लेख करतीत यह पुस्तक सत्य असत्य संपर्क स्पष्ट निर्देशित होता बेले बेचना दृष्टि विशेष महत्व रही। व्यक्ति अपेक्षा सह जोड़ी हो नित्यांत ऐकंद्रिय और स्वार्थी हो जाए। एथिपाई विदुर नीति मध्यम आमे आपण को जीवन सफलता हासिल करिबार किछि गुढ़ तत्व संपर्क जनइबु। यदि आपण आपणक जीवन में सफल होबाकु चाहूछंती तेबे ही तीनोटी अभ्यास को बदलाई दियंतु। ताहले कौन से तीनोटी अभ्यास आसंतु जानि नबा। प्रथमे होछि क्रोध। विदुर नीति अनुसार क्रोध मनुष्यर सबुठू बड़ शत्रु अटे। क्रोध व्यक्ति को खराब मार्ग आड़क नहीं जाए। शेषे व्यक्ति खेद प्रकाश करें। जदि आपण सफल तथा सुखी जीवन जापन करने को चाहती तेबे आपण को आपणक मध्य क्रोध को त्याग करने को पड़ो। द्वितीय लालसा। विदुर नीति अनुसार जो व्यक्ति मनरे लालसा भाव रखि थाए से केबे भी सुखी रही पारे ना। व्यक्ति उपरे जेते बेले लालसार भूत हावी हो जाए सेते व्यक्ति एपर किसी कर बसे जहाद्वारा ता जीवन में अस्थिरता आसी जाए। एथिपाई कुहा जाए केबे भी मनरे लालसा भाव उत्पन्न करने उचित नुहे। महात्मा विदुरंक कथा अनुसार व्यक्ति को केबे भी अहंकार करने उचित नुहे। अहंकार कारणरु व्यक्तिर व्यक्तित्व प्रभावित होता जहाँफल व्यक्ति भल कर्म मान लुचि जाए। व्यक्ति जिते उन्नति करू मध्य अहंकार करने आदम उचित नुहे। अहंकार प्रदर्शन करने द्वारा उन्नतिशील व्यक्ति निम्नमुखी होगाक लगे। यह सहित विदुर दुनिया एपरी किसी व्यक्ति विशेष विषय कही जी कि हाथ को पैसा आसवा क्षणी ताक निमिषक बर्बाद कर दिखती तेरे किए से व्यक्ति आसतु जाणी। विदुर नीति अनुसार अलसुआ व्यक्ति को केबे भी टंका पैसार दायित्व देवा उचित नुहे। कारण आलस्य व्यक्ति केबे भी काम को गंभीरता सह नियंती नाही। अलसुआ प्रवृत्तिर होइथिबारु कौनसी काम ठीक भावे करि पारंती नाही। एभली व्यक्ति विशेष निजर ठीक भावे दायित्व नहीं पारंती नाही कि निज जमापुंजी को मध्य ठीक भावे विनियोग करि पारंती नाही। एमाने निजे काम निजे नकरि अन्य उपरे निर्भर करंती। काम अन्य जनक द्वारा कराइबा द्वारा खर्च मध्य अधिक होता है। एपरी अणदेखा कारणरु अनेक गुड़े टंका अजथरे सेमानंकर खर्च हो जाए। कारण जेतेबेले व्यक्ति मध्यरे आलस्य प्रवृत्ति जाग्रत हुए सेतेबेले व्यक्तिर काम भल हेबा परिवर्ते खराब आड़कु गति करिथाय। महात्मा विदुरंक कथा अनुसार नीच चिंताधारा रखुथिबा व्यक्ति केबे भी धनर महत्व बुझिपारे नाही। जहाँफलरे अजथारे अनेक गुड़े टंका नष्ट करबाक लागे। जदि जणे व्यक्ति आलस्य परायण व्यक्ति को निज धन प्रदान करे तेबे आलस्य व्यक्ति से धन को सठिक जगह विनियोग करिबा परिवर्ते खराब जगह विनियोग करि समस्त काम खराब मध्य करि दे पारंती। जणे अधर्मी तथा आलस्य परायण व्यक्ति ठीक भूल बुझी पारंती नाही। तेणु खराब काम रे धन को खर्च करबाक लागंदी से माने। जो काम सहजरे होइथाय आलस्य व्यक्ति से ही काम ही करिबाकु पसंद करंती। एभली परिस्थिति रे आपण आपणकर धन कौनसी आलस्य प्रवृत्ति व्यक्ति हाथ में नदे जड़े भल व्यक्ति दे पारे जी आपण जड़े भरोसा योग्य व्यक्ति होइथिबे। केबे भी कौनसी दुष्ट व्यक्ति को
ଧନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଧନ ବରବାଦ କରିବା ସହ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ତଳେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦୁର ନୀତି ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେମାନେ ଟଙ୍କାକୁ ପାଣି ପରି ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କି ଘରର ମହିଳାଙ୍କୁ ଧନ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଆପଣ। ବରଂ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଧନର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଜାଣିଲେ ବିଦୁର ନୀତି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣ ବା ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ଧନ ଦୌଲତ ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।